जयराम महतो बनाया क्या है, वो तो झूठ बोल के गाली दे करके लीडर बन गया। जितना मोदी सरकार का जितना भी योजना मेरे घर में मेरे गांव में आया है उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी का अहम भूमिका है, तब आपके गांव में योजना। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनाव हरा देंगे, आप चंद्र प्रकाश चौधरी जी के बारे में जानते क्या है जी जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी को हरा दीजिएगा? आप आजसू पार्टी के बारे में क्या जानते हैं जो आप आजसू पार्टी के उम्मीदवार को हरा दीजिएगा? आज आपके घर में चावल मिल रहा है 5-5 KG, तो उसमें भी चंद्र प्रकाश चौधरी जी का योगदान है। आज आपके घर में गैस सिलेंडर है, उसमें भी चंद्र प्रकाश चौधरी जी का योजना है। आज इस क्षेत्र में जितना PWD का रोड बन रहा है, जितने छोटे छोटे रोड बन रहे हैं और जितना चौड़ीकरण रोड बन रहा है, सब में चंद्र प्रकाश चौधरी का योगदान है। भाषा संघर्ष समिति का जो नाम है वो हम लोगों ने लिखा है, उसका नाम हम लोग दिए हैं, जिसका रजिस्टर आज भी मेरे पास मौजूद है। मानव श्रृंखला का भाई, उस मानव श्रृंखला को पूरा करने में टिकेत महतो का भी अहम रोल है। उस मानव श्रृंखला में चंदन क्यारी का, राजेश महतो का अहम रोल है। उस मानव श्रृंखला में निमेदा का अहम रोल है। और हमारे क्षेत्र के लोग, जनता सबको लेके गए थे गाड़ी में, खुद डीजल और पेट्रोल डाल करके मानव श्रृंखला में ले जाने का काम किए थे। जो नमस्कार जोहार, आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो कि हमेशा चुनाव आते हैं तो सुर्खियों में ये रहते हैं। इनका नाम है टिकेत महतो और आसू से बिलोंग करते हैं, आसू के केंद्रीय सदस्य है। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि विधानसभा में एक चर्चा का विषय बने थे, इस बार फिर अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव में क्या भागीदारी इनका रहता है। एक तरफ यशोदा देवी का प्रचार प्रसार में जुटे थे, इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी के चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। देख रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं कितना पकड़ है और क्षेत्र में क्या प्रभाव मिल रहा है। सबसे पहले जोहार। जोहार आपको, सबसे पहले मेरे तरफ से जोहार, और आप इतना दूर से चल करके मेरे पास आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब विधानसभा चुनाव था, काफ़ी आप यशोदा देवी का चुनाव प्रसार प्रसार में आप पति पत्नी घूम रहे थे, और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव है, अभी तो 6 विधानसभा का दौरा करना पड़ेगा, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, विधानसभा का चुनाव था, उपचुनाव था, जाहिर सी बात है पार्टी का केंद्रीय मुख्यालय सचिव थे और पूर्व में हम जिला परिषद थे, अभी वर्तमान में मेरी पत्नी जिला परिषद है। तो पार्टी का पदेन पदाधिकारी होने के नाते पार्टी का दायित्व मिला था कि चुनाव जोर शोर से लड़ना है, चुनाव का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए उपचुनाव में हम और मेरी पत्नी दोनों मिल करके यशोदा देवी जो उम्मीदवार थे उनके लिए काफ़ी मेहनत किए, और मेहनत का परिणाम भी रहा कि हम लोग 83,000 मत लाए थे। भले रिजल्ट अलग हो, रिजल्ट चुनाव का जो भी परिणाम आया उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी थे उनका जो वोट का मात्रा है वो काफ़ी संख्या में बड़ा है। जब 2019 में चुनाव हुआ था तो आजसू का 36,000 आया था, बीजेपी का भी 36,000 आया था, उसमें 800 हम लोग का अधिक था, तो दोनों को मिला देते थे तो 72,800 कुछ वोट होता था। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो हम सबका संघर्ष, सबका मेहनत था कि 83,000 हम लोग मत लाएँ। भले रिजल्ट नहीं ला पाए, लेकिन आने वाले समय में आजसू का विधायक डुमरी में होगा, ये तय हो चुका है। मतलब कि वोट देने वाले लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, आजसू का समर्पित कार्यकर्ता लोग बढ़ रहे हैं, आजसू को चाहने वाले लोग बढ़ रहे हैं, सुदेश महतो का कद बढ़ रहा है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कद बढ़ रहा है, तो आजसू के प्रति लोग भी बढ़ रहे हैं, आजसू का वोटर भी बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आजसू का वोट बढ़ेगा आने वाले समय में। आंदोलनकारी क्रांतिकारी नया उभरे हैं, उनका भी कद बढ़ रहा है, उनका भी अब आंदोलन के बाद अब कह रहे हैं कि राजनीति में आइए और देश का और राज्य का बागडोर संभालिए। अरे भैया, फेसबुक में आंदोलन का कद बढ़ाने से नहीं होता है। फेसबुक में अगर आंदोलन करके या फेसबुक का नेता बनने के लेकर के अगर देखा जाए तो एक दिन में हम भी फेसबुक में, हमारे लोग भी हैं, हमारे भी समर्थक हैं, हम चाहेंगे तो सबको अगर बोल देंगे तो हमें भी लोग एक दिन में फेसबुक का आंदोलनकारी और नेता बना सकता है। वो गाँव घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। दौरा करने से क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या था? जिस चीज का आज वो दौरा कर रहा है उससे पहले टिकेत महतो कर चुका है। क्या किए हैं आप? कैसे नहीं किए? जब भाषा आंदोलन, जब झारखंड सरकार ने जब भाषा को लागू किया बोकारो धनबाद में, मगही भाषा हो गया, भोजपुरी हो गया, ये सब भाषा को जब लागू किया तो उसका विरोध में झारखंड सरकार आज के डेट में घोषणा किया था, चिट्ठी जारी किया था, तो उसके तुरंत अगले दिन हम पेपर में स्टेटमेंट दिए थे और दूसरा दिन से हम लोग
लोग आंदोलन करना चालू कर दिए थे। आप मानव श्रृंखला किए हैं, आंदोलन किए हैं क्षेत्र? अरे मानव श्रृंखला का भाई, उस मानव श्रृंखला को पूरा करने में टिकैत महतो का भी अहम रोल है, उस मानव श्रृंखला में चंदन क्यारी का राजेश महतो का अहम रोल है, उस मानव श्रृंखला में निमेदा का अहम रोल है। और हमारे क्षेत्र के लोग, जनता सबको लेके गए थे गाड़ी में, खुद डीजल और पेट्रोल डाल करके मानव श्रृंखला में ले जाने का काम किए थे, जो सक्षम लोग नहीं थे, लेकिन लोग चाहते थे कि हम जाएंगे मानव श्रृंखला में, क्योंकि ये भाषा का लड़ाई था और भाषा का लड़ाई में सबका योगदान है, उस लड़ाई में मेरा भी योगदान है। अब खतियान की लड़ाई चली, जयराम तो खतियान में आ गया था। नहीं देखिए, 60-40 का लड़ाई चला, वो स्वार्थी है, 60-40 का वो लड़ाई कभी नहीं लड़ा है। 60-40 का लड़ाई कॉलेज लाइफ में देवेंद्र कुमार था, जो वहाँ से रांची से स्टार्ट किया था, उस समय भी हम लोग आंदोलन किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग बोकारो और धनबाद जिला में सबसे शुरुआती, इस आंदोलन का शुरुआत हुआ तो बोकारो के नवाडी से हुआ है। हम खुद अपने पूरे नवाडी प्रखंड के मुखिया के लोगों के साथ मिल करके, अपने मुखिया संघ के अध्यक्ष थे हमारे बड़े भाई गौरी शंकर जी, उनके साथ मिल करके, देवानंद जी थे उनके साथ मिल करके, हमने खुद मुखिया लोगों के साथ बैठक करके आंदोलन का शुरुआत किए हैं। जेड़ा मोड़ में पहली बार पूरे बोकारो जिला का मुखिया और जिला परिषद को बुला करके हम लोग बैठक किए और इस भाषा आंदोलन का शुरुआत किए हैं। ये जो खतियानी भाषा संघर्ष समिति जो आज चल रहा है ना, वो खतियानी भाषा संघर्ष समिति का जो नाम है वो हम लोगों ने लिखा है, उसका नाम हम लोग दिए हैं, जिसका रजिस्टर आज भी मेरे पास मौजूद है। फिर इसका मतलब जयराम महतो को आप लोग बनाए? जयराम महतो बनाया क्या है, वो तो झूठ बोल के गाली दे करके लीडर बन गया, वैसे तो कोई भी आदमी बोल सकता है। अभी कहने का मतलब आपके जो नेता है चंद्रप्रकाश चौधरी, उसको टक्कर देने वाला है अभी, उनको चुनाव में बोलते हैं हराएंगे और हम सांसद बनेंगे। चुनाव अभी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने दीजिए, उसके बाद उनको पता चलेंगे कि चंद्रप्रकाश चौधरी क्या हैं और आजसू पार्टी क्या है। आप फेसबुक में या सोशल मीडिया में वायरल कर दीजिएगा कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनाव हरा देंगे। आप चंद्रप्रकाश चौधरी जी के बारे में जानते क्या हैं जी, जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी को हरा दीजिएगा? आप आजसू पार्टी के बारे में क्या जानते हैं, जो आप आजसू पार्टी के उम्मीदवार को हरा दीजिएगा? कहते हैं कि कुर्मी वोट सब ले लेते हैं, अब कुर्मी बेटा हम बने और पूरे झारखंड का बेटा बन गए। नहीं, कुर्मी उसका बाप का सब खतियानी वोट है, माने जितना झारखंड का कुर्मी है सब बेकूफे है कि जरा महतो जिधर कूद जाएगा सब कुर्मी उधर कूद जाएगा। आजसू पार्टी का सुदेश महतो, जो पूरे झारखंड को संवारने के लिए अपना खून पसीना लगा दिए हैं, उस सुदेश महतो का झारखंड में कोई महत्व नहीं है, सब जयराम महतो को दे देगा। ये उलूल जुलूल बात बोल करके लड़का लोगों को बरगलाने का काम किया है, दूसरा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी जो गांव-गांव घूम रहा है, ये कोई मुद्दा लेके नहीं घूम रहा है, इसका कोई सोच नहीं है, इसका कोई विचार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रहा है, लोग जुट रहे हैं, बाकी चंद्रप्रकाश चौधरी को ही मत देंगे और चंद्रप्रकाश चौधरी फिर से गिरिडीह से सांसद। एक आंदोलनकारी भी हैं टुंडी का वर्तमान विधायक मथुरा प्रसाद, वो भी चुनाव में उतरे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन से वो उम्मीदवार बने हैं, उसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, उनका सोच है, उनको पार्टी उम्मीदवार बनाया है, वो अपना मेहनत करेंगे, उनके भी कार्यकर्ता हैं क्षेत्र में, उनका गिरिडीह में विधायक है, जेएमएम का विधायक है, टुंडी में विधायक है, गठबंधन में बेरमो में विधायक है, तो उनका तीन में भी मंत्री, हाँ डुमरी में भी मंत्री है, तो उनका पार्टी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रकाश चौधरी जो लड़ रहे हैं वो आजसू पार्टी से लड़ रहे हैं, और आजसू पार्टी क्या है ये पूरे झारखंड के लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको हम लोग जनाने का भी काम करेंगे कि आजसू पार्टी क्या है। तो ये वो कहते हैं भाजपा से गठबंधन है, फिर भाजपा कई आंदोलनकारी कह रहे हैं कि नहीं वो बाहरी पार्टी है। भाजपा से गठबंधन है, हम मानते हैं भाजपा से गठबंधन है, और कौन कहता है भाजपा बाहरी पार्टी है? ऐसे में तो पूरा इंडिया में जितना राज्य है सभी जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब राज्य के लोग बोलेंगे कि भाजपा बाहरी पार्टी है, ऐसा नहीं है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और राज के नियम पर मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। एकदम करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो एकदम करेगा। और आजसू पार्टी जो आज भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो आजसू पार्टी भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही है गठबंधन के रूप में। इतना जो आप लोग हमेशा आजसू और भाजपा का और मोदी का लहर करते हैं, पांच ऐसे काम बता दीजिए चंद्रप्रकाश चौधरी को जो इस क्षेत्र में किए इन 5 सालों में। चंद्रप्रकाश चौधरी का पांच ऐसे काम क्या है, सैकड़ों काम ऐसे हैं जो पब्लिक उनको दिल से चाहेंगे। अगर पांच आप काम बोल रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले पूरे क्षेत्र में
अभी हर पंचायत में अगर देखा जाए, डुमरी विधानसभा का हम जो विधानसभा मेरा क्षेत्र है, हर विधानसभा में सांसद मत से दो या तीन योजना चल रहा है और काम कई की योजना काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से खुद सांसद मत से उनका योजना का शिलान्यास हुआ, काम भी हुआ और कुछ काम चल भी रहा है। ये सांसद मत का पहली बार इस क्षेत्र में, इस इलाका में काम हुआ था। पहले सांसद मत से हमारे ज्ञान से या इस क्षेत्र के लोगों को कभी सांसद मत से कोई काम नहीं होता था, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी जी जब से आए पूरा डुमरी विधानसभा के सभी पंचायतों में सांसद मत से काम देने का काम किए। आज हर हर क्षेत्र में जहाँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है एमपी साहब श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का, जहाँ जहाँ पर भी ऐसे पंचायत का जहाँ चौपाल लगता है, हर पंचायत का एक ना एक छोटा सा जगह होता है जिसको लोग उस गांव का राजधानी के रूप में देखते हैं। जैसे अगर गोनियाटो को देखा जाए, गोनियाटो का एक मेला टाण है, वहाँ हर चीज़ कार्यक्रम होता है, कोई नेता भी आता है सभा वहीं होता है, कोई त्यौहार भी आता है वहीं पर जुटान होता है, रामनवमी आता है वहीं पर अखाड़ा लगता है, मेला लगता है वहीं पर, कोई चीज़ का भी कार्यक्रम होता है तो वहीं पर होता है। तो उस तरह से हर गांव में कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह है, वैसे जगह पे चंद्रप्रकाश चौधरी जी स्ट्रीट लाइट लगा दिए ताकि रात बिरात जब भी कोई भी प्रोग्राम फंक्शन करना पड़े तो लोगों को भटकना नहीं पड़े, अंधेरा में कार्यक्रम। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी आचार संहिता उस टाइम लग रहा है? नहीं जी, आचार संहिता तो आज लगा है ना, आज कुछ दिन पहले लगा है, मार्च में लगा है, मार्च से पहले स्ट्रीट लाइट लग गया है। और जहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगा था उस जगह पर फाउंडेशन करके उसका शिलान्यास करके वहां पे ढलाई कर दिया गया। पहले ही बिल पास हो, पहले बिल पास हो चुका, योजना का बोला जाए तो स्वीकृति हो चुका था और जहां जहां लगना था वहां पे गड्ढा करके उसका फाउंडेशन तैयार कर चुका गया था। अब रह गया बात की योजना, जब आचार संहिता से पहले जिस योजना का शिलान्यास हो जाएगा उस योजना का काम कहीं नहीं होगा आचार संहिता में। लोग संविधान तो यही कह रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई योजना का शिलान्यास नहीं हो सकता है, लेकिन जो योजना का शिलान्यास पूर्व में हो चुका है आचार संहिता के लगने से पहले, उस योजना का काम आचार संहिता में हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे थे आपके विपक्ष के, अभी दो चीज हम काम गिनाए हैं, एक सांसद मत, एक स्ट्रेट ले। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट में आप लोगों ने सुने होंगे या देखे होंगे कि 14 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में तैयारी किया गया था, जो बहुत सुंदर तरीके से उस स्टेशन को बनाना था और उस सुंदरीकरण जो स्टेशन का करना था, तो पूरे झारखंड में 14 लोकसभा में 14 ही स्टेशन को करना था, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी का गिरिडीह लोकसभा में 7 स्टेशन था। तो आज कहने का मतलब है चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने अपनी बातों को सांसद भवन में रखे, चंद्रप्रकाश चौधरी ने मेहनत किए तब तो 14 लोकसभा में 7 को गिरिडीह लोकसभा आ गया, ऐसी आ गया क्या? और भी कोई सांसद होंगे तो उनके भी लोकसभा क्षेत्र में 14 को कहे नहीं गया भाई, वहां एक हो गया, कहीं एको को भी नहीं गया, लेकिन गिरिडीह में 7 को लाने का काम किया था। ये है कि मार्केटिंग नहीं हो पाता है कि क्या काम किए क्षेत्र में, पता नहीं चल पाता। देखिए केंद्र सरकार का जो योजना होता है ये आपको भी पता है और हम लोग को भी पता है, हमारे क्षेत्र के जितने जनता है उनको भी पता है कि केंद्र सरकार का योजना को सबको नहीं बन जा सकते हैं। केंद्र सरकार में भी हम लोग पंचायती राज में मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सब लोग बने हैं। अब केंद्र सरकार का जो योजना है उज्ज्वला योजना जो है, कहने का मतलब है घर घर सिलेंडर बटा, घर घर सिलेंडर बटा, तो उस योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। अब उस योजना को दिया गया तो कहीं सांसद जी बांट दिए, कहीं विधायक जी भी बांट दिए, कहीं प्रमुख महोदया भी बांट दिए, कहीं मुखिया जी भी बांट देते हैं, कभी पंचायत समिति भी बांट देते हैं, कहीं जिला परिषद भी बांट देते हैं। तो एक ही योजना को कितने लोग गिनाएंगे? जिला परिषद भी गिनाएंगे कि हमारा योजना है, मुखिया भी गिनाएंगे कि मेरा योजना है, या एमपी साहब गिनाएंगे मेरा योजना है, प्रमुख गिनाएंगे कि मेरा योजना है, कि सांसद जी गिनाएंगे मेरा योजना है। ये केंद्र सरकार का योजना है और केंद्र सरकार का जितना योजना है वो सारे योजनाओं में चंद्रप्रकाश चौधरी का भागीदारी है, और जितना गिरिडीह लोकसभा में केंद्र सरकार का योजना हो रहा है उस सब योजनाओं में चंद्रप्रकाश चौधरी जी का भागीदारी है। भले लोग आज जानकारी से अभाव में है, जानकारी के अभाव में है, जिस दिन जानकारी हो जाएगा उस दिन चंद्रप्रकाश चौधरी को जानेंगे कि चंद्रप्रकाश चौधरी मोदी का जितना, मोदी सरकार का जितना भी योजना मेरे घर में मेरे गांव में आया है उसमें चंद्रप्रकाश चौधरी का अहम भूमिका है, तब आपके गांव में योजना आ रहा है। आज आपके घर में चावल मिल रहा है 5-5 केजी, तो उसमें भी चंद्रप्रकाश चौधरी जी का योगदान है। आज आपके घर में गैस सिलेंडर है उसमें भी चंद्रप्रकाश चौधरी जी का योजना है। आज इस क्षेत्र में जितना पीडब्ल्यूडी का रोड बन रहा है, जितने छोटे छोटे रोड
रोड बन रहे हैं और जितना चौड़ीकरण रोड बन रहा है सब में चंद्र प्रकाश चौधरी का योगदान है। आज प्रधानमंत्री जी का योजना है पेयजल नल घर योजना जो है, जल नल जो योजना है केंद्र सरकार का, उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी जी का योगदान है। तो किस चीज़ में चंद्र प्रकाश चौधरी जी का योगदान नहीं, सिर्फ जनता का जानकारी नहीं हो पाया है, वो जानकारी हम सब लोग मिल के देंगे और चंद्र प्रकाश चौधरी जी को सांसद बनाएंगे। तो ये आपने सुना टिकेत महतो का विचार, जो कि चंद्र प्रकाश चौधरी क्या कुछ किए हैं, हमने पूछा 5 ऐसे सवाल।